पहले 6 ओवर में ये लोग 50 से ऊपर बहुत कम जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो इंडियन बैटिंग लाइन है ये बहुत ज़बरदस्त है कि जो उनका पावर प्ले है उसके अंदर उनका जो स्कोर है वो करीब जो है 70-80 प्लस जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा कि आप देखेंगे पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन है रिजवान और बाबर, वो ज़्यादा पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं या फिर इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा या के राहुल? मेरे ख्याल में इंडियन जो है ओपनिंग ज़्यादा वो अग्रेसिव है। तो मेरा ख्याल है जो इंडियन बैटिंग लाइन है ये बहुत ज़बरदस्त है और उसकी एक रीज़न है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनका पावर प्ले है उसके अंदर उनका जो स्कोर है वो करीब जो है 70-80 प्लस जाता है। जो हमारी बैटिंग साइड है उसका एज सच जो पावर प्ले में वो स्लो खेलते हैं और हिटिंग स्लो करते हैं, तो पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि जो पावर प्ले के ओवर होते हैं उसके अंदर हिटिंग करे। बेसिकली जो पाकिस्तान के बैट्समैन है रिजवान और बाबर है ना, वो तो हमें सबको पता है ना कि अच्छा खेलते हैं ना, और इंडिया के भी बहुत अच्छा खेलते हैं ना, लेकिन इंडिया की बेसिक रीज़न यही है ना कि इंडिया के जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो तगड़े हैं ना। वो कहते हैं ना कि अगर हमारे 60-70 स्कोर होना पहले तकरीबन 4 ओवर में, तो हमारे जो पिछले आने वाला एक विकेट भी गिर जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब आने वाले बैट्समैन हैं ना वो तगड़े हैं ना, वो कर सकते हैं रनज़। और पाकिस्तान के इसलिए कम करते हैं ना 35-40 रन कि चलो ठीक है ना हमने 4-5 ओवर में 40 स्कोर किए हैं, लेकिन जो हमारे आने वाले बैट्समैन हैं जिस तरह इफ्तिखार हो गया, शान मसूद हो गया, वो आने वाले हम सबको पता है ना कि 15-10-5-6-7 स्कोर करके फिर सीधे ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, उधर बैठ जाते हैं ना। बेसिकली रीज़न यही है ना, इंडिया वाले इसलिए ज़्यादा करते हैं ना क्योंकि उसके पिछले जो मिडल ऑर्डर वाले बैट्समैन आते हैं वो तगड़े हैं ना। पाकिस्तान के मतलब मिडल ऑर्डर का मसला ही नहीं है ना, ये सालों से मसला आ रहा है। देखें आप मुझसे इसके मतलब राय पूछ रहे हैं। देखें क्लास में ना एक बच्चा एवरेजन पढ़ता है और एक कुछ भी ना पढ़े फिर भी उसको आ जाता है, यानी दो तरह के स्टूडेंट हो गए। ये दोनों हैं एवरेज स्टूडेंट, और जो रोहित शर्मा और केएल राहुल है ना वो क्लासिकल स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उनकी क्लास लैदा है, ठीक है, वो छिके मार लेंगे। अगर उनको एक ओवर में 20 चाहिएंगे ना, वो उनमें से कोई भी होगा ना तो पूरा कर लेगा, क्योंकि ये 70% चांस होंगे। इन दोनों में से आप खुद हिसाब लगाएं कि हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इनसे बेहतर कोई नहीं। चलो बेहतर है तो चलो आप मुझे कोई बता दें कि मैं उसका नाम दिमाग में रख लूँ, कोई है बेहतर तो हम कहते हैं ठीक है। फिलहाल पाकिस्तान में मौजूदा लड़कों में ये सबसे अच्छे हैं, 53-50 स्कोर, यानी 12-14-50 की 50, 300-400 की यानी पार्टनरशिप इनकी है, उनके अलावा कोई है ही नहीं। शजील खान आया, वो उसका थोड़ा सा फिटनेस का मसला है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई दिखेगा ही नहीं। हाँ एम एस शहजाद के एटीट्यूड की वजह से बाहर है, और तो कोई नज़दीक टच ही नहीं है। हमारे पास तो इतना बड़ा बैट्समैन फ़खर जमान है, उसे बाहर बैठा हुआ है। नहीं फ़खर जमान आपको किसी ने कहा बाहर बिठाया हुआ है? कोई चीज़ें बताने की वाली नहीं ना होती, कुछ चीज़ें खिलाने वाली होती हैं। जैसे आउट जो इंडिया के वाले कह रहे थे कि मोहम्मद नवाज़ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ओपनर तो हमारे बहुत अच्छे हैं, ये मतलब मैच को अच्छा जितवाते भी हैं, खेलते भी अच्छा हैं, चेज़ भी अच्छा करते हैं, लेकिन पहले 6 ओवर में ये लोग 50 से ऊपर बहुत कम जाते हैं। उनका देखें वो कितना अग्रेसिव वो खेलते हैं दोनों जो उनके ओपनर बैट्समैन हैं। तो हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? लाइक देखें ना, अगर मेरा मानना ये है अगर बाबर आजम को अगर हम 2 डाउन ले आएँ ये 1 डाउन ले आए ये मसला हल हो सकता है? नहीं, मेरा अपना जाती राय है और मैंने जो एक्सपर्ट की इंटरव्यू देखा ना क्रिकेटर्स की, उसका यही मानना था कि पहले ओपनिंग पे फ़खर जमान, अगर आने वाले जो 20 वर्ल्ड कप में फ़खर जमान बाबर को भेजना चाहिए, फिर सेकंड टाइम मतलब सेकंड विकेट पे रिजवान को भेजना है, ताकि वो इस तरह ना कि अगर कोई विकेट पहले 60 स्कोर पे ख़त्म भी हो जाए मतलब आउट भी हो जाए और फिर भी मतलब रिजवान हो जाते, ताकि वो 120-130 तक कर लेता है ना। फिर जब बाहर सिफ अली आ जाता है ना, फिर वो हमें पता है ना 1-2 हिट लगाते हैं ना, 15-20 स्कोर हो जाते हैं, क्योंकि आखिर 3-4 में ये भी चाहिए होता है कि 30-40 रन आपने करने होते हैं ना। तो इसी तरह अगर हो जाए तो पाकिस्तान की टीम बेहतर हो जाएगी। इंडियन टीम खुद कैसे इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है, वो ऐसे प्लेयर कैसे ग्रो कर पा रही है? तो उसकी इसी ने कि बेसिकली उनकी जो स्ट्रांग कोच है ना, उसकी मैनेजमेंट जो है ना, रीज़न यही भी है ना, और टीम बड़ी मतलब जो उसकी कैप्टन होता है उसकी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, उनको पता होता है ना कि पहले खिलाड़ी किसको ले आना है ना, किसको लेके जाना है ना, तो इसी वजह से ना इनमें उनकी मैनेजमेंट अच्छी लगी आपके। मैनेजमेंट भी अच्छा है ना, और उसकी पूरी टीम की कोऑपरेशन बिल्कुल अच्छा है ना।
इसी वजह है ना। हालांकि देखिए उनके पास एक बड़ा बहुत बड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जडेजा वो भी मिसिंग है उनकी टीम में, पर वो फिर भी लेके चल रहे हैं। तो इसकी वजह यही ना कि वो के शायद उसको ये भी आना है कि वो हमारे एक साइड चलो ठीक है फील्डिंग भी कर लेता है अच्छा बॉलिंग भी कर लेता है ना, तो उनमें यही ना कि बैट्समैन को एक वो एक शुबा अगर उसका स्ट्रांग हो तो इस वजह से भी वो इंडिया में रख लेता है ना बैट्समैन को। पाकिस्तान के तो मतलब ऐसा है ना कि वो कहते हैं ना कि हाँ तीनों शुबे ठीक होना चाहिए ना। हाँ हर खिलाड़ी में ये नहीं हो सकता है ना कि मतलब वो तीनों शुबे ठीक है। जिस तरह बाबर का मतलब बैटिंग लेवल ठीक है शायद उसका फील्डिंग ख़राब होना लेकिन वो चल सकता है, इसी तरह इंडिया में भी ये है ना कि अगर उसका एक शुबा स्ट्रांग है तो उसको इस वजह से रख लेता है ना, किसका ये शुबा तो स्ट्रांग है अगर उसका बैटिंग अच्छा है ना तो उसको बैटिंग की वजह से रखता है और उसका बॉलिंग अच्छा है तो बॉलिंग की वजह से उसको रख लेता है ना। आपको नहीं लगता सूर्य कुमार यादव इंडियन बैट्समैन वो हर बॉल पर शॉट मारते हैं? हर बॉल तो उसकी भी नहीं बाहर जाती, बड़े से मैचेस में वो जीरो पे भी आउट हुआ हुआ है। हाँ। और वो ये लक होता है, दिन होता है, बंदा जिसका दिन चल जाए उसका चल जाता है। लेकिन आप देखिए हमारा मोहम्मद आसिफ है, आसिफ अली है, वो देखिए वो कितने एक मैचेस में चला है, उसका एक नाम चल गया बस। हाँ। हमारे पास हिटर तो है ना, लेकिन उसका ज्यादा ये होती है कि उसको हम नीचे खिलाते हैं, उसको चाहिए कि दूसरे या तीसरे नंबर पर लेके आए। ये लोग क्या करते हैं, आपने पिछले मैचेस में देखा होगा कि बाबर आजम जो है उसको रोक लेता है, शदाब को भेज देता है या नवाज़ को भेज देता है। नवाज़ हमारे पास अच्छा हिटर है। हाँ। उसको आप किस तरह मिस कर रहे हैं, वो भी तो इतना अच्छा बैट्समैन है। ऐसे ही होगा कि वो फिट है इस वक्त, वो बेहतरीन है, एंड पे खुश दिल छा होगा कि जो बाहर बैठ जाएगा। पाकिस्तान टीम की टीम सेफ है वो, इस वजह से ना ठीक है खुश दिल किस कुछ चीज़ें दिन होते हैं, कुछ चीज़ होते हैं कि यार फॉर्म में वापसी आना। देखिए विराट कोहली को 1092 दिन लग गए, खुश दिल को अगर कोई महीना लगा है तो कुछ नहीं होता, एक महीना और सही, चलो वर्ल्ड के बाद क्यों खेल लेगा, चलो कोई बात नहीं। तो खुश दिल शाह ने कभी ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं था, उसको इस प्रेशर का पता नहीं था, इसलिए वो बेचारा चल नहीं पाया। बात हम करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी। देखिए हम हमेशा दो बैट्समैन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे आपने शुरू में बोला कि हमारे पास सिर्फ वही बैट्समैन है, उसके अलावा हम कैसे अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर सकते लाइक इंडिया? इतना बड़ा मैच होने जा रहा है 23 तारीख को, तो हम क्या करेंगे? देखें फिर आप बाद वो स्टूडेंट वाला टीचर ना बच्चों को, वो उन बच्चों को ना वेलकम के लिए खड़ा करते हैं जो ना कर सकते, ठीक है ना। हाँ। तो पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर में भी इनसे बेहतर कोई नहीं, चलो आप कोई नाम बता दें, चलो ठीक है मेरे मुताबिक एक गलती है शुएब मलिक को खिलाना चाहिए बस। हाँ। उसके अलावा आप नाम कोई सजेस्ट करें कौन सा होना चाहिए? मुझे तो सिर्फ बाबर पे और रिजवान पे यकीन है। तो बस वही कह रहा हूँ कि मौजूदा टीम बेहतरीन है, अगर हाँ अगर इनकी जो प्रैक्टिस मैच करना था ना तो आसिफ अली ओपनर बहुत अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि ना वो हमें उसके चाहिए छक्के, वैसे आवाम को सिर्फ सभी के छक्के पसंद है, लेकिन वो आता है 2-3 छक्के मार जाता है, वो अपनी एवरेज बरकरार रख जाता है क्योंकि उसका रोल यही है। उन बाकी अगर उसको ओपनर खिलाएंगे तो अपन उनमें देखेंगे, अगर ओपनर बैट्समैन जाता है ना तो उसके ओवर उसकी बैटिंग आती है पावर प्ले के दरमियान, पावर प्ले में अगर बैट्समैन का एक चौका 2-4 चौके और एक छक्का लग जाए बैट्समैन का दिल बड़ा हो जाता है, फिर वो स्कोर करना शुरू हो जाता है। उन आप कभी देखेंगे ना कि जो पिछले बैट्समैन आते हैं वो 5 प्ले पावर प्ले से बाहर होते हैं, वो आप शॉट लगाएंगे किधर लगाएंगे, एक थर्ड मैन पे हो गया, 2 मिड ऑफ, 1 मिड ऑन, 1 हो गया पॉइंट पे, हो गया सॉरी पुल शॉट पे, मिड विकेट पे, उन आप किस जगह पे। ये टीम में इस वक्त बेहतरीन है, कभी आप ना पॉजिटिव थिंग बताएं ना कि पाकिस्तान के पास सभी छिके लगाने वाले प्लेयर हैं, तो आप ये क्यों नहीं बताते पाकिस्तान में छिके लगाने? आर्सरोव छिका लगा लेता है, नसीम शाह छिका लगा लेता है, शीन शाह फरीदी छिके लगा लेता है, आप बताएं ना मोहम्मद वाद और शदाब खान, ये 5 बॉलर हैं ना, 5 के छिके लगा लेते हैं तो लगाते क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। देखें आप ऐसे बॉल फेंकेंगे या छिक्का या आउट 2 चांस होंगे, जैसे कोइन है ना फेंक देना या 4 आना या 5 आना, तो हमारे तो ज़्यादा आउट ही होते हैं, तो कुछ चीज़ें नहीं होती है, जीत तो रहे हैं ना। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों में इन्होंने खाना ख़राब किया है, पिछले 2 सालों में इन्होंने सभी मैच जीत ही गए हैं, चल मेन मैच आ रही है। देखे ना मैं शुएब अख्तर के काफ़ी इंटरव्यू सुनता हूँ, शुएब अख्तर ने ये बोला था कि आप सबसे पहले जो कोई भी प्लेयर को T20 में लाने से पहले ना उसको 2 साल टेस्ट मैच खिलाएं, चेक करें कितने किस जगह है, नहीं 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं सर, टेस्ट मैच खिलाएं, जब एक दिन में 20-20 ओवर करवाएगा पता लग जाएगा। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 4 दिन का मैच होता है, डोमेस्टिक में बल्कि ज़्यादा करवाने पड़ते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट इनकी है 4 डे, फाइनल होता है 5 डे का, बिल्कुल 5 डे का सिर्फ फाइनल होता है, तो वो ये एक चीज़ ही है, लेकिन हाँ बॉल का थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो बॉल थोड़ा सा ग्राउंड में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वहाँ पे उधर जाके स्किलफुल बॉलर होते हैं, जैसे पदेशी हो गया, मोहम्मद आसिफ हो गया, ये स्किलफुल बॉलर थे खुद ही, बस उनको तो कॉन्फिडेंस भी बंदे को इधर ले जाता है।